अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के विष्णु एंड शर्मा रेस्टोरेंट में और हमारे साथ अभी मौजूद हैं फ्रेंचाइजी ओनर रोहित मिश्रा जी। सर, जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि भोपाल के 10 से 15 ऐसे रेस्टोरेंट रहेंगे जो वैक्सीन लगाए हुए लोगों को डिस्काउंट देंगे, जिसमें एक रेस्टोरेंट आपका भी चुना गया, तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कंप्लीट होगा उतना अच्छा है। कोरोना जैसी महामारी में जो पीड़ित है जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट कंप्लीट करती है या फिर लोग कर पाते हैं तो प्रेरित करने के लिए डिस्काउंट की बात कही गई है कि गवर्नमेंट विश्व को सभी को डिस्काउंट जो भी इस तरह से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट अगर हमारे यहाँ आके दिखाते हैं तो उसके लिए हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो सर, ये जो आदेश जारी हुआ है क्या वह होटल या रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से कहा गया था या जिला प्रशासन ने खुद अपनी तरफ से ये आदेश दिया है? जिला प्रशासन की खुली हो सकती है या फिर उन लोगों ने इस चीज को आगे एसोसिएशन से ये बात की हो। जब ये एसोसिएशन के पास आया होगा तो हम लोगों के पास ये चीज आई थी 10-15% लोग इक्कीस तारीख को सर्टिफिकेट निकालते हैं उसके लिए अपन डिस्काउंट देते हैं, तो वो एक अच्छी चीज है कि इससे लोग प्रेरित हों जल्दी से जल्दी, मतलब जो भी हमसे छोटा सा फायदा होटल सबसे हो सकता है कि छोटा सा हो रहे हैं उनके लिए एक अच्छी चीज है कि वो जल्दी से जल्दी सर। जैसे अभी भी कोरोना पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और भोपाल को खुले खुले अभी मुश्किल से 2 हफ्ते हुए, तो अभी आप कैसे कोरोना की गाइडलाइनों का पालन करते हुए अपने रेस्टोरेंट में आप लोगों को खिला रहे हैं? देखिए, अभी प्रशासन ने पहले तो जो बैंक अभी की सुविधा ऑनलाइन के लिए किया तो उसके लिए हम लोगों ने दुकानों के बाहर को डिस्टेंसिंग के लिए खोले बनाए, जैसा कि प्रशासन का आदेश था कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। उसके बाद सैनिटाइजेशन हो गया प्रॉपर शॉप का और फिर आप नीचे हो गिलास हो गया पूरा हम लोग सैनिटाइज करते हैं प्रॉपर शॉप की जगह पर सैनिटाइज होती है। उसके बाद जिला प्रशासन का आदेश आया कि 50% सेटिंग के साथ आप लोग चालू कर सकते हैं, तो 50% सेटिंग के साथ हम लोगों ने चालू किया है। जैसा जैसा गवर्नमेंट की रहने की कोशिश जा रही है वैसा हमारी कोशिश है कि सारे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आप लोग को इसको आगे सर। इस कोरोना महामारी में महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, लगातार आप देख रहे हैं कि तेल और घी जैसी चीजों के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इसी समय में अगर जिला प्रशासन आपसे उम्मीद कर रही है कि आप 10-15% का डिस्काउंट भी दें तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इसमें आपका भी नुकसान है? देखिए, ये चीज सही है कि महंगाई स्वाभाविक सी चीज है और काफी सारे दाम बढ़ते जा रहे हैं और कई चीजों में तो फर्क पड़ता है, बट उसके साथ अभी ये भी चीज है कि कोरोना महामारी आती है और दाम के कारण या फिर चीजों से वैसे भी बिजनेस को प्रभावित होता ही होता है और प्रभावित होने के साथ ये भी जो लॉकडाउन की स्थिति बार बार बन रही है कि बहुत ज्यादा चीजें बढ़ जाती है, सभी को लॉकडाउन करना पड़ता है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं होता तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप लॉकडाउन में रहो तो इनको ब्रेक करें, तो इससे अच्छा है कि वैक्सीनेशन जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है उसके लिए जो प्रशासन गाइडलाइन बना रहा है जो लोगों को प्रेरित कर रहा है या फिर जो एक बिजनेस स्ट्री है व्यापार जो लोग कर रहे हैं वो लोग जितना भी प्रेरित जिस भी जरिए से कर सकते हैं। मेरा स्वयं का मानना यह है कि वो चीज करनी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना के लिए वैक्सीन ही उपाय है, जितनी जल्दी से जल्दी लोग वैक्सीन को लगवाएंगे और वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम इस चीज से कुछ हद तक पाएंगे कि जो लॉकडाउन की स्थिति बार बार बनती है वो ऐसा ना हो और लॉकडाउन अगर नहीं होता है तो व्यापार धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाएगा। तो ये थे हमारे साथ रोहित मिश्रा जी जिन्होंने हमें ये बताया कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम
या इनका रेस्टोरेंट एसोसिएशन पूरी तरीके से इस मुहिम में अपना साथ देगा और जो 21 जून को वैक्सीनेशन करवाएंगे उन्हें होटल की तरफ से 10-15% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं सुजेश भट्ट, प्रवासाक्षी, भोपाल। आज आपको विष्णु एंड शर्मा फास्ट फूड की तरफ से डिस्काउंट मिला है, तो इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण यह है कि भोपाल जिला प्रशासन ने भोपाल के लगभग 15 रेस्टोरेंट्स को इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए, जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए एक डिस्काउंट ऑफर करने का जो है जो निर्णय लिया था उसी के तहत आज, क्योंकि कल जो है तो 21 तारीख को महावैक्सीनेशन अभियान चालू किया गया था, तो आज जो है तो भोपाल के 15 रेस्टोरेंट डिस्काउंट दे रहे हैं जिसमें से 10-15% का डिस्काउंट है, तो आज शर्मा एवं विष्णु रेस्टोरेंट भी जो है 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसी डिस्काउंट के तहत कल आपने वैक्सीनेशन करवाया था या वैक्सीनेशन का कोई और कारण? नहीं देखिए, वैक्सीनेशन का कारण डिस्काउंट नहीं था, वैक्सीनेशन का कारण तो प्रधानमंत्री जी की अपील, मुख्यमंत्री जी की अपील और खुद की भी सुरक्षा थी, लेकिन अगर जो है तो जिला प्रशासन भोपाल ऐसी पहल कर रहा है तो सराहनीय है, इससे लोगों को प्रेरणा मिली। आप किस तरीके से और भी लोगों को जागरूक करना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से निकले, वैक्सीनेशन करवाएं, जिससे हम इस कोरोना की महामारी को अपने देश से बाहर फेंक सकें।